नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिकबेट ओनली टेक। दोस्तों बहुत बार आपके कमेंट हमें मिलते हैं कि सर हमें व्यूज नहीं आ रहे, अब हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, 2019 में अगर हम चैनल ओपन करेंगे तो कैसे ग्रो कर पाएंगे, क्या 2019 में यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमाना आसान है? बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आज फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, पूरा सुन लीजिए, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा अगर आप अभी चैनल शुरू करते हैं तो भी। और भी बहुत सारी अपडेट है जो मैं देता रहता हूं खबरी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने खबरी पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, आपको नई नई चीजें सुनने को मिलेगी। लेकिन आज बात करेंगे 2019 में सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बने। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपका कौन सा कैमरा अगर मैं भी परचेज कर लूं, आपका कौन सा माइक है मैं भी परचेज कर लूं, मेरी वीडियो में बहुत अच्छा क्वालिटी आ जाएगा तो क्या मेरा चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा 2019 में? मैं कहता हूं नहीं भाई, नहीं। अपने ऊपर इतना बोझ मत डालिए। अगर 2019 में आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपने यूट्यूब से कुछ नहीं कमाया तो आप इन्वेस्ट मत कीजिए, अगर अफोर्ड नहीं करते हैं तो। अपने पेरेंट्स से कहीं आप जिद करके बैठे हो कि नहीं सर मुझे तो पापा मुझे तो कैमरा चाहिए, मुझे तो अच्छा माइक चाहिए तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। देखिए योगी सर के पास अच्छा कैमरा मोबाइल वो है, माइक है, उन सर के पास ये है, उनके पास इतना अच्छा सेटअप है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आज भी मैंने भी शुरुआत की थी मोबाइल से, आप भी मोबाइल से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप अच्छा कैमरा परचेज कर सकते हैं, अच्छा माइक परचेज कर सकते हैं, इससे आपकी वीडियो में क्वालिटी आएगी। लेकिन ये सब परचेज करने के बाद आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है। 100% अगर सफल होना है तो आज मैं आपको दो चीज बताऊंगा, उनको सुने तब आप सफल हो सकते हैं। पहला, देखिए अब है 2019, अगर आप किसी से पूछोगे कि आपने अपना YouTube चैनल कैसे ग्रो किया, मान लो मुझसे आप पूछोगे, मैं जो बताऊंगा वो चीज आपके अब काम नहीं आएगी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 2016 में, तब बात कुछ और थी, इतना कंपटीशन नहीं था। 2019 में कुछ ज्यादा कंपटीशन है। अब इस कंपटीशन की भीड़ को चीर के अगर हम आगे निकलना है तो हमें दो चीजें हमारे दिमाग में डालनी पड़ेगी। पहला, माइंड सेट करना पड़ेगा कि यार मैं यूट्यूब चैनल पर क्यों आ रहा हूं। ठीक है, दो चीजें। अगर कोई कहता है कि भैया मेरे को पैसा नहीं कमाना है, मुझे नाम कमाना है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब पे आ रहे हो तो आप पैसा भी कमाओगे इसमें, और उसको कहने में और इसे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, पैसे कमाओगे कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी कमाओगे। लेकिन आपको माइंड सेट ये करना है कि अगर आपको लगता है कि यार उसने ये वीडियो बनाया, मैंने देखा, अब मैंने भी सेम वही वीडियो बना दिया, इस तरह का कॉन्टेंट आप अगर 2019 में बनाते हो आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि आपका चैनल ग्रो हो जाए। अगर आपको चैनल ग्रो करना है, या तो आपका जो कंटेंट है जो आप डालने वाले हो वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, जो यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं डाला हो। आप कहोगे सर ऐसा तो कोई कंटेंट बचा ही नहीं है, बचा है, आपको यही दिमाग लगाना है कि कौन से कंटेंट है जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं आए। अगर वो कंटेंट आप डालते हो तो आपका चैनल 100% सक्सेसफुल होगा, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा एक फार्मूला और है, अगर आप YouTube चैनल 2019 में बनाना चाहते हो, आपका यूनिक कंटेंट तो नहीं है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन लेवल बहुत अच्छा है, आप प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हो, तो आपको करना क्या है? देखिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। 2016, 15, 17 में जब ब्लॉगिंग करते थे, उस टाइम ब्लॉगिंग पे ही एक जरिया था, आप 2015 या 16 तक की ब्लॉगिंग से लोग बहुत पैसा कमाते थे, आज भी कमाते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया। पहले क्या था कि ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग बनाया, कुछ भी आर्टिकल टाइप किया, वो जो है शेयर करो या मत करो रैंक हो जाता था, गूगल की सर्च में आ जाता था और उस ब्लॉग पर व्यूज आते थे, मतलब कि लोग पढ़ते थे उस ब्लॉग को और पैसे कमाते थे। आज जमाना ये कि अगर आपको ब्लॉग पे काम करना है तो आपको निश पकड़ना पड़ेगा, एक निश पे ब्लॉग करना पड़ेगा, यानी कि निश ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आज अगर 2019 में आप यूट्यूब बनाते हो तो यूट्यूब पर भी आपको सेम वही फंडा यूज करना है। कैसे बताता हूं, देखिए बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियो है जब मैं अनबॉक्सिंग करता हूं तो मेरे खुद के भी कम व्यूज आते हैं, और जो बड़े बड़े चैनल है दिग्गज वो भी अगर अपने टॉपिक सेट के कोई वीडियो बनाते हैं तो उनको भी कम व्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं जब भी अनबॉक्सिंग करता हूँ आपको पता है मेरे व्यूज कम आते हैं और लोग लिखते भी हैं कि सर आपके व्यूज कम क्यों आ रहे हैं। एक्चुअल में बात यह है कि मेरा जो चैनल है टेक्निकल योगी, यहाँ पर आपको डिजिटल इंटरनेट यूट्यूब ब्लॉग वेबसाइट अमेजन एफिलिएट अर्निंग प्लेटफॉर्म इनके रिलेटेड आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती है, यही मेरा कैटेगरी है, यही टॉपिक है, यही मेरे चैनल का नीच है। अगर मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ खूब व्यूज मिलेंगे, अनबॉक्सिंग मेरा नीच नहीं है इस चैनल का, अगर मैं दूसरा चैनल बनाऊंगा वो अलग बात है तो मुझे व्यूज नहीं मिलेंगे। मैं कितनी भी अच्छी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊं, कितनी भी ईमानदारी से बनाऊं, उस पर व्यूज कम ही आएंगे क्योंकि ये मेरा नीच नहीं है। कुछ ऑडियंस है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वही उन वीडियोज को देखती है और उन्हीं अनबॉक्सिंग की वीडियो जिस टॉपिक पे मैंने अनबॉक्स किया किसी प्रोडक्ट को
उसी प्रोडक्ट को अगर कोई दूसरा बनाता है जिसका चैनल सिर्फ अनबॉक्सिंग का है तो उस पर लाखों व्यूज आएंगे क्योंकि उसका निच वही है। वो अगर अमेज़न अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में वीडियो बनाएगा तो उसको व्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उसका निच नहीं है। तो अगर आप 2019 में YouTube चैनल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप सोचिए ठंडे दिमाग से और अपना एक निच निर्धारित कीजिए कि मुझे किस पे काम करना है। जैसे निच ब्लॉगिंग है वैसे ही अब निच यूट्यूबिंग करने का जमाना आ गया है। आपको एक निच पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी आपको कैटेगरी मिलेगी जिसमें एक निच पे भी लोग काम करने लगे। जैसे टेक में अलग अलग निच पे लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया, कोई सिर्फ अनबॉक्सिंग करता है, कोई सिर्फ अर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोई सिर्फ अमेजन अफिलिएट के बारे में बताता है, कोई सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के बारे में बताता है, कोई ब्लॉगिंग के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आपको माइक्रो निच पे काम करना पड़ेगा, माइक्रो निच पे काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सीख जाओगे। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपको खाना बनाना आता है, आप शेफ है, और या फिर आपको शौक है कुकिंग का और आप चैनल बनाना चाहते हैं 2019 में, तो आप देखिए कितने लोग हैं जो ऑलरेडी रेसिपी का चैनल हिट किए हुए हैं, उनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, लोग उनका चैनल देखते हो। आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या कीजिए, इस पे एक निच पकड़िए, यानी आप एक ऐसा चैनल बनाइए उस पे आप डालिए कि अब मैं जितनी भी रेसिपी बताता हूँ ये सारी डायबिटीज पेशेंट के लिए, यानी आप लिखिए डायबिटीज पेशेंट के लिए ये रेसिपी, फिर उसके बाद कोई दूसरा पेशेंट जैसे मान लीजिए कोई बीपी का पेशेंट है उसके लिए ये रेसिपी। तो एक अलग नीच हो गया कि आप किसी भी जो व्यक्ति है उसको कोई रोग है उसके हिसाब से उसको कोई मील रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कई ऐसे रोग होते हैं जिनमें कुछ परहेज होते हैं खाने के, उसके हिसाब से आप उसे रिकमेंड कर रहे हैं। तो इस ये बिल्कुल नीचे, इस पे किसी ने अभी वीडियो बहुत, मेरे को नहीं लगता किसी ने यूट्यूब पे इस तरह का वीडियो बनाया होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, ट्रैवल गाइड करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इस पे भी आप अपने एक माइक्रो निच पे चले जाइए कि मुझे क्या करना है। मुझे जैसे आप देखो इस पे भी कई लोगों ने अपने अपने निच निर्धारित किए। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जो वीडियो ऐसे होते हैं कि भैया मैं गाँव का ही दिखाऊंगा, सिर्फ गाँव में जाऊंगा, कुछ कहते हैं मैं गार्डन्स में जाऊंगा, कुछ कहते हैं मैं सिर्फ कपल्स के लिए बनाऊंगा कि कपल्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ हिल स्टेशन के बारे में बताता हूँ, कुछ लोग ऐसा है कि जो वाटर पार्क के बता रहे हैं। आप थोड़ा और अंदर चले जाइए और एक निच पकड़ लीजिए, मैं ऐसा बताऊंगा कि अफोर्डेबल ट्रैवल कैसे करें, सस्ते में कैसे घूमें, तो एक निच हो जाएगा, तो आप इसी पे काम कीजिए। ऐसे अगर आप कोई भी टॉपिक पर अगर 2019 में चैनल बनाते हैं तो आप एक निच पकड़िए। अगर उस टॉपिक पे निच पर भी यूट्यूबिंग होने लग चुकी है तो आप माइक्रो निच कीजिए, ठीक है, माइक्रो निच यूज कीजिए, यानी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और तब आप काम कीजिए। अगर आप एक निच पकड़ के उस पर लगातार वीडियो पोस्ट करेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे 2019 में भी यूट्यूब बना के। और अगर लोगों ने पहले से जो वीडियो बना रखी है उनको देख के वैसा ही कुछ कंटेंट आप भी देने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता बहुत ज्यादा मुश्किल मिलेगी, हो सकता है नामुमकिन भी हो जाए क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यार ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा तो है और जरूरी भी है, अभी निच ब्लॉगिंग का जमाना है तो निच यूट्यूबिंग का जमाना भी आज से ही समझ लो स्टार्ट हो गया है, आपको काम करना चाहिए। मैं भी एक और चैनल बनाऊंगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग करूंगा, क्योंकि मैं भी एक दो महीने से अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं भी ये चीज समझ गया हूं। तो अनबॉक्सिंग के लिए मैं एक और चैनल बनाऊंगा, इस चैनल पे सिर्फ आपको नॉलेज वाली वीडियो ही देता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे, कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। और खबरी पर भी आप फॉलो कर लीजिए, वहां भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।